Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Hope you will be fine with good health. Today in this video, I will discuss about SCD, specific carbohydrate diet for digestive diseases. This SCD जो है specific carbohydrate diet है, specifically बनाई गई है for some diseases. इनमें digestive diseases ज़्यादा common है, कुछ और भी diseases हैं, for example autism है, diverticulitis है, ulcerative colitis है, Crohn disease है. इनके ऊपर जो है ये स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट दी जाती है, क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो कि बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होते और वो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं या बैक्टीरिया उसके साथ रिएक्शन करके कुछ टॉक्सिक मटेरियल बना देते हैं जो कि बॉडी के लिए डेंजरस होते हैं, खासतौर पर अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिजीज, इस तरह के जो डाइजेस्टिव डिजीजेज हैं या ऑटिज़म है, उनमें ये फ़ायदा देती है जो डाइट है. तो लिहाजा इसके बारे में आज बात होगी प्रॉपरली. आप इसको देखें एंड तक और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स. और आई एम डॉक्टर अब्दुल मलिक, पीएचडी फार्माकोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा. इसमें सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं शॉर्टली. आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट के बारे में है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, कौन से फूड इसमें अलाउड हैं, कौन से फूड इसमें नहीं अलाउड, नॉट अलाउड, और कौन कौन से चैलेंजेस हैं, इसके बारे में बात होगी. तो आज देखते हैं स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट बेसिकली और IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस के ऊपर क्या है बेसिकली. तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज IBD, आगे फिर बात होगी स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट. इसके बारे में अलग भी मैंने वीडियो बनाई हुई है IBD के ऊपर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर भी है और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस भी बनाई हुई है. अगर देखना चाहें तो उस वीडियोस को भी आप देख सकते हैं. IBD is an often debilitating inflammatory condition of GIT, gastrointestinal tract की inflammatory condition को कहा जाता है, इसलिए नाम इसका inflammatory bowel diseases रखा गया. Increasing ये autoimmune diseases होती हैं basically, और ये continuously lifetime तक रहती हैं, ख़त्म नहीं होती, इसलिए इसका एहतियात भी lifetime तक करना पड़ता है. इंक्रीजिंग प्रेवलेंस इन द वर्ल्ड, और ये प्रेवलेंस भी इसकी इंक्रीज हो रही है साफ सर है, और इसकी मेडिकेशन भी बड़ी कॉस्टली हैं, एक्सपेंसिव हैं, और इस साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं. इसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, कुछ मेडिसिन से, फार्माकोथेरेपी से काम लेना होता है, कुछ डाइटरी जो चीज़ें हैं उससे काम लेना होता है, और कुछ एक्सरसाइज या बाकी जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे काम लेके उसको सेव करना होता है पेशेंट को. तो SCD has been practiced for maintaining remission and research is finally available to assess potentially utility of this strategy. इसको बहुत सारे अरसे से प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये एक नहीं है कि, और ये रिमिशन भी करता है यानी आराम भी देता है, रिलैक्स भी करता है बंदे को, और जो डिजीज है प्रोग्रेशन उसको भी रोकता है. तो इस तरह की डाइट स्पेसिफिक जो है डॉक्टर वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए बना के देता है, ये चीज़ें आप खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते. तो मेजर बेसिकली ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ IBD में जो है वो दो मेजर डिजीजेज हैं, क्रोहन डिजीज है और अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसे UC में जाहिर करते हैं, क्रोहन डिजीज को CD से जाहिर करते हैं. लिहाजा इसमें स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट में आप कौन कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, कौन से नहीं ले सकते हैं, कौन सी चीज़ें रिकमेंडेड हैं, कौन सी नहीं है, ये डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, या अदर डिजीजेज हैं जिनके बुनियाद पे उन्हें मेडिसिन जो है वो डाइट स्पेसिफिक डाइट का चार्ट दिया जाता है. तो इसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं जो उन पेशेंट में जो खाते हैं, खासतौर पर जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के हैं, IBD के जो पेशेंट हैं उनमें माल न्यूट्रिशन इज़ वेरी कॉमन. सबसे पहले उन्हीं की बात करते हैं, कौन कौन सी हैं सीवियर एंड एक्टिव डिजीज ऑफन इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन एंड एनर्जी, प्रोटीन और एनर्जी जो है इसमें कम होती है, नंबर वन. नंबर टू, न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसीज हैं ड्यू टू डिक्रीज फूड इनटेक, क्योंकि उसमें खाना कम खाया जाता है, ज़्यादा अगर खाते हैं तो वो नुकसान देता है या साइड इफेक्ट काज करता है, जिसमें डायरिया हो सकता है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो उससे बचने के लिए इसको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं. इंक्रीज न्यूट्रिएंट लॉसेस एंड मॉल अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज न्यूट्रिएंट डिमांड भी बढ़ सकती है, इसलिए ये एक जरिया है, SCD जो है उसको दिया जाता है, उन पेशेंट्स में दिया जा सकता है.
न्यूट्रन डिप्लीशन भी हो सकती है ड्यू टू मेडिकेशन, कुछ ऐसी मेडिकेशन हैं जो इंटरेक्शन काज करती हैं, फूड ड्रग इंटरेक्शन हैं, कुछ और चीज़ें, तो लिहाजा उसको अब्जॉर्प्शन में नहीं जाने देती, अब्जॉर्ब नहीं होने देती, डिक्रीज अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी फॉलोइंग सर्जिकल रिसेक्शन, समटाइम सर्जिकली उसको काटा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो वहाँ पे अब्जॉर्प्शन नहीं होती है उसकी, तो इसको देने के लिए फिर हमें ये और तरीके अडॉप्ट करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल एससीडी जो डाइट है वो दी जा सकती है। इवन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस आर इंटेंडेड टू कंट्रोल सिम्टम्स, ये भी कहा जाता है कि कोई ऐसी चीज़ देते हैं जिससे साइड इफेक्ट बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बढ़ जाती हैं और इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज़ है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये पोटेंशियल सोर्स हैं, बाहर से हम इनटेक करते हैं ये डिजीज़ को बढ़ा भी सकते हैं, तो उन डाइटरी चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, रोका जाता है, लिमिट किया जाता है कि इसको कम से कम इस्तेमाल करें ताकि वो सिम्टम मजीद ना बढ़े, इन्फ्लेमेशन जो सूजन है वो कम से कम रहे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसी तरह माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इन सीडी क्रोहन डिजीज़ में एज इट अफेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टीन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टीन को क्रोहन डिजीज़ ज़्यादातर अफेक्ट करती है, वेयर न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन जो उनकी अब्जॉर्प्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है या बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो जज़ब होता है वो सही प्रॉपर नहीं हो सकता। ये मल्टीपल न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं जिनकी जो ये खासतौर पर इन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ पेशेंट में हो सकती हैं, डाइजेस्टिव डिजीज़ में हो सकती हैं, क्रोहन डिजीज़ में हो सकती है, लिहाजा उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एसिडी डाइट का सहारा लेना पड़ता है। लिहाजा मोस्ट फ्रीक्वेंट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज इन पेशेंट विद आईबीडी इंक्लूड फोलेट, विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम एंड आयरन, ये ज़्यादातर देखेंगे आईबीडी पेशेंट में, जो कि कुछ विटामिन कम होते हैं, कुछ आयरन और कैल्शियम वगैरह। इसी तरह मैग्नीशियम एंड जिंक जो है डेफिशिएंसीज आर आल्सो बिलीव टू बी कॉमन, एंड लोअर लेवल्स ऑफ B1 विटामिन B1 जो है कॉम्प्लेक्स में से कुछ जो विटामिन B12 है, विटामिन ई है, विटामिन के है एंड सिलीनियम आर आल्सो डॉक्यूमेंटेड, ये भी कम हो जाते हैं, तो लिहाजा इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एसिडी डाइट का लेना जरूरी है। एप्रोप्रिएट टेस्टिंग एंड सप्लीमेंटेशन आर एज नीडेड विल सपोर्ट द न्यूट्रिशनल केयर ऑफ पेशेंट विद IBD, ये एक अहम पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि एप्रोप्रिएट टेस्टिंग अगर इसकी की जाए कि क्या प्रॉब्लम है, सीलिएक डिजीज है या और डिजीज़ है, ये सप्लीमेंटेशन क्योंकि ये बचपन से ही हो सकती है डिजीज़, ये कुछ एज फैक्टर भी होता है, शुरू से डिजीज़ स्टार्ट हो जाती है जो ऑटोइम्यून डिजीज़ या कुछ अरसे के बाद स्टार्ट होती हैं अडल्ट एज में, चिल्ड्रन में ज़्यादा हो जाती हैं, तो लिहाजा इसका न्यूट्रिशनल केयर करना बहुत ज़रूरी है जिससे उनको बचाया जा सकता है डेफिशेंसीज से। तो लिहाजा ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, वन ऑफ द मेन स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट फॉर IBDs फार्माकोथेरेपी, मैं पहले बता चुका हूँ इम्पॉर्टेंट जो है हमारा मेन स्टे क्या है, इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसके ऊपर हम ज़्यादा बात कर चुके हैं ऑलरेडी, IBD के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उनमें मुख्तलिफ ड्रग्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन सी थेरापी की जा सकती है उसके लिए, और इसकी जो रिमिशन है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हमने बहुत सारे इसके ऊपर काम किए हैं। तो लिहाजा इन अडल्ट्स दिस इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ डिफरेंट मेडिकेशंस, ये नहीं कि एक दिन के लिए यूज़ करना है, एक महीने के लिए यूज़ करना है, लाइफ टाइम के लिए यूज़ करना होता है। अगर डिजीज़ हो जाए, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसका कन्फर्म ख़त्म नहीं होती, तो इस वजह से हमें मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी और ये एहतियातें भी लेनी पड़ेंगी, फॉर एग्जाम्पल जो एसिडी डाइट के बारे में बताएंगे आगे। फ्रॉम माइल्डर अमीनोसैलिसिलेट्स टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्यूरिन्स, इम्यूनोमॉडुलेटरी मेडिकेशंस एंड बायोलॉजिक्स जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मेडिसिन भी देनी पड़ती है लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ रिमिशन हो जाता है, कुछ स्टे हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है, फिर इंडक्शन के बाद फिर रिमिशन जो है दोबारा रिलैप्स भी हो जाता है समटाइम, इसलिए एहतियात और ये जो डाइटरी सब चीज़ें हैं उसको बरकरार रखना होता है, मेन स्टे है। तो दीज मेडिकेशन हैव सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वेट, ब्लड शुगर एंड बोन हेल्थ इन अडल्ट, और ये बड़ों में भी ये प्रॉब्लम कर सकता है, वेट वेरिएशन कर सकता है, कम हो जाता है वेट ज़्यादातर क्योंकि कम खाना खाते हैं, चीज़ें इनकम्प्लीट जाती हैं, अब्जॉर्प्शन कम होती है, ब्लड शुगर लेवल भी कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, बोन हेल्थ जो है अडल्ट की कम हो सकती है, सही नहीं बनती, अगर छोटे बच्चे हैं उनमें भी बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो इसको बरकरार रखने के लिए हमें एसिडी डाइट का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत इसेंशियल है।
लिहाजा एससीडी क्या चीज है बेसिकली। एससीडी आपको बता चुका हूँ स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट है, दैट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सिडनी वी हास एमडी इन 1920s एज वे टू मैनेज सीलिएक डिजीज को मैनेज करने के लिए बनाई गई थी। और उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसमें उसका बेटे का नाम है और 1951 में उन्होंने पब्लिश की, उसमें उन्होंने एससीडी डाइट का ये कहा, एससीडी इज ए रिस्ट्रिक्टिव ग्रेन फ्री डाइट प्लान डिजाइन टू हेल्प पीपल विद कंडीशन सच एज क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सीलिएक डिजीज, डाइवर्टिकुलाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड क्रोनिक डायरिया, इनके ऊपर ये जो है इफेक्टिवली यूज की जा सकती है एसिडी डाइट जो है। सबसे पहले हालांकि सीलिएक डिजीज पे बनाया गया था लेकिन बहुत सारे और डिजीज में इसका फायदा देखा गया, तो उन्होंने इनके जो ब्रॉड सेंस में स्कोप इसका पड़ गया इस डिजीज जो डाइट का। तो लिहाजा इस डाइट में जो है सम पीपल क्लेम इट हेल्प्स विद द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, अगर ऑटिज्म में बच्चों में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादातर पेट में दर्द होता है, कॉन्स्टिपेशन है या फिर डायरिया ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें ये फ़ायदा दे सकती है ऑटिज्म में। ये ब्रेन डिजीज़ है बेसिकली जिसमें दिमाग जो है ब्रेन का वो प्रॉपर डिवेलप नहीं होता, तो लिहाजा ये जो ऑटिज़म है ये इसके ऊपर भी वीडियो बनी हुई है मेरी, आप देख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल मालिक ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है, तो उसमें आप इसको चेक कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब आप। तो स्टार्टिंग द डाइट, टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर यू बिगिन द स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट टू मेक श्योर यू विल गेट द कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स यू नीड। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आपको कैलोरीज या न्यूट्रिएंट्स की नीडेड है, बच्चा है बड़ा है, डिजीज़ कौन सी है, ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं जो डॉक्टर के जहन में होते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के या डाइटिशियन के, वो उसको देख के उसके मुताबिक इसको सप्लाई करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा ये चीज़ें इसमें ज़्यादा होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। तो ये एक सवाल है, हाउ द डाइट वर्क्स, कैसे काम करती है, लिहाजा हमें फ़ायदा देती है तो हम काम इसको यूज़ कर रहे हैं। थ्योरी इसके बिहाइंड ये है कि कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है जो अल्सरेटिव पेशेंट के, अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट के या अदर डिजीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम की है, उनमें जो है वो उनको ओवर ग्रोथ कर जाते हैं, बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट उनका ज़्यादा हो जाता है जिससे वो इरिटेशन काज करते हैं और जिससे डायरिया जो हो सकता है जिसमें इनका जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो हो सकता है। दिस कैन कॉज एन ओवरग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बातें की हैं ये देखें बढ़ सकता है, डाइजेशन प्रोसेस जो है बढ़ सकता है और चेन रिएक्शन जिसे विशियस साइकिल कहा गया है ऑफ इरिटेशन ऑफ इंटेस्टीन का वो इंक्रीज हो सकता है। बाई लिमिटिंग योर कार्बोहाइड्रेट, अगर कार्बोहाइड्रेट को लिमिट करेंगे, कम करेंगे इनटेक, जो अच्छे कार्बोहाइड्रेट हैं डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट है उनको लेंगे और जो अनडाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट है उनको नहीं लेंगे, तब हमारा ये फायदा हो सकता है। टू ओनली वंस दैट आर वेरी इजिली डाइजेस्टेड, द आइडिया इज दैट देयर विल बी नो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट लेफ्ट ओवर टू कॉज ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया एंड सेट ऑफ चेन रिएक्शन लीडिंग टू इरिटेशन, वीसीएस साइकिल में इरिटेशन हो जाती है वो कम से कम होगी। ये वीसीएस साइकिल के बारे में नीचे बताया हुआ है इसकी डेफिनेशन। कौन कौन से फूड अलाउड हैं, फ्रेश अनप्रोसेस्ड मीट जो है वो ले सकते हैं, पोल्ट्री जो है यानी चिकन है खासतौर पर वो ले सकते हैं, एग्स हो गए, इस तरह फिश होगी, शेल फिश एग्स हैं ये ले सकते हैं, सर्टेन लेग्यूम्स हैं ये फलियाँ हैं जिसको ले जा सकती हैं, फलियाँ लेग्यूम्स फॉर्म है, इस तरह इंक्लूडिंग ड्राइड बीन्स हैं, लेंटिल्स हैं, स्प्लिट पीज हैं, मटर हैं छोटे, रॉ कैश्यूज़ हैं, ये रॉ किस्म के जो रोस्टेड नहीं कैश्यूज़ जो हम खाते हैं ड्राई फ्रूट है इसको ले सकते हैं, एंड ऑल नेचुरल पीनट बटर भी ले सकते हैं, चीज़ सच एज चिडार जो है ये ले सकते हैं, कोल्बी एक फॉर्म है ये ले सकते हैं, स्विस एंड ड्राई कर्ड कॉटेज चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें ख़तरा नहीं है, होममेड योगर्ट अगर घर में बनाते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, फर्मेंटेड फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स, बाहर वाली जो है वो सूटेबल नहीं है जैसे कि कंपनी की है गोरमे की है और डिफरेंट जो आती हैं।
तो लिहाजा मोस्ट वेजिटेबल जो हैं ये भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, मोस्ट वेजिटेबल कैन बी यूज्ड। इसमें ये देखें फ्रेश वेजिटेबल्स हैं और इसको यूज़ किया जा सकता है, और इसमें फ्रेश फ्रूट्स कुछ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते। तो लिहाजा फूड्स नॉट अलाउड, खासतौर पे शुगर जो है वो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, इससे आगे जो है वेस्ट प्रोडक्ट और इरिटेशन जो है वो ज़्यादा पड़ जाती है, इन्फ्लेमेटरी प्रो इन्फ्लेमेटरी है बेसिकली, और ये ज़्यादा डिजीज भी पास कर सकता है। तो शुगर जो है सिंथेटिक शुगर खासतौर पे उससे अवॉइड करना चाहिए। मोलेसेस गोल्ड है, इससे अवॉइड करना चाहिए। मैपल सिरप है, सुक्रोज है, प्रोसेस्ड फ्रोक्टोज है, इसको भी नहीं इंटेक करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ग्रेन्स हैं कुछ इंक्लूडिंग कॉर्न, व्हीट, व्हीट जर्म, बारले, ओट्स एंड राइस वगैरह भी अवॉइड करनी चाहिए। जिनको सूटेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं थोड़े मकदार में, लेकिन ज़्यादातर इनमें अलाउड नहीं है। इनकी समटाइम्स डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। कैंड वेजिटेबल जो कैंड होते हैं, पैक्ड वेजिटेबल होते हैं, फ्रोजन चीज़ें होती हैं, इनसे अवॉइड करना चाहिए उनमें, क्योंकि और चीज़ें भी ऐड होती हैं इंग्रेडिएंट। सम लेग्यूम्स हैं सी व्हीट, इससे बचना चाहिए। स्टार्ची ट्यूबर्स हैं सच एज पोटैटोज से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। स्वीट पोटैटोज, चुकंदर, ये शकरकंदी है इसको, टर्निप्स जो है, चिकंदर है, ये भी नहीं लेने चाहिए। कैंड और प्रोसेस्ड मीट है, खासतौर पे जो आप फ्रिज में फ्रोजन पड़ा हुआ है, कैंड है, बंद है, बहर से पैक हो गया है, इसको नहीं इस्तेमाल करना। खासतौर पे जो बहर वाली जो चीज़ें आती हैं कंपनीज की, इनसे अवॉइड करना चाहिए। कैनोला ऑयल से भी अवॉइड करें, एंड स्टोर बॉट मायोनीज वगैरह जो स्टोर से आप खरीदते हैं उसको भी यूज़ ना करें। ऑल मिल्क जो है एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हाई इन लैक्टोज सच एज माइल्ड चिटार वगैरह है, स्टोर बॉट योगर्ट है, क्रीम है, सोर क्रीम है एंड आइसक्रीम वगैरह, इससे भी अवॉइड करना चाहिए। किफर मिल्क जो है वो इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो कि आ गए, उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा किफर मिल्क के, जो कि जो यूज़ किया जा सकता है या उससे बनी हुई चीज़ें किफर की, ये योगर्ट घर में इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बहर वाला यूज़ नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है क्लियर कट। ऑल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हाई इन लैक्टोज सच एज माइल्ड चिटार और स्टोर बॉट योगर्ट है, स्टोर से जो बाइट आप खरीदते हैं, क्रीम है, सोर क्रीम है, आइसक्रीम है वगैरह, कैंडी एंड चॉकलेट वगैरह से भी अवॉइड करना चाहिए। तो चैलेंजेस क्या हैं? पीपल ऑन स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट मे नॉट गेट इनफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग फोलेट, थायामीन, विटामिन B6, कैल्शियम एंड विटामिन डी। इसके लिए अलहदा जो है सप्लीमेंट आपको साथ लेने चाहिए, अगर इसमें प्रॉपरली वो डाइट में चीज़ें नहीं है तो इन पीपल में ये प्रॉब्लम हो सकता है कि विटामिन B6 कम हो, थायामीन कम हो, फोलेट कम हो, कैल्शियम या विटामिन डी। इसके अलहदा जो है सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि आप उसको भी साथ ले सकते हैं। स्टडी लुकिंग एट 9 चिल्ड्रन यूजिंग द डाइट टू ट्रीट इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज फाउंड दैट दे डिड नॉट गेट इनफ विटामिन डी एंड कैल्शियम, उसमें कम अब्जॉर्ब हुआ है। ये एक स्टडी की गई है, तो एक चैलेंज है। तो लिहाजा कंक्लूजन ये हुआ कि एसिडी डाइट इज बेटर फॉर मल्टीपल डिजीजेस ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम और मल्टीपल अदर सिस्टम्स आर आल्सो इन्वॉल्वड फॉर दिस डाइट। तो लिहाजा इस डाइट को प्रॉपरली डॉक्टर के थ्रू यूज़ करें और स्पेसिफिक पर्सन जो अपने बारे में बताए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको, कौन कौन से डिजीज़ है, कौन सी मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं, कौन से सप्लीमेंट ले रहे हैं, ताकि वो प्रॉपरली इस डाइट को बना सकें, चार्ट को, और उसको इस्तेमाल कर सकें। इसके बारे में मज़ीद भी डिटेल में हैं स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट डाइट का पूरे चार्ट अवेलेबल हैं, नेट से आप देखना चाहें तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ कि कौन कौन से चार्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो कॉमन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। यहाँ पे डिटेल मैं नहीं दे रहा, लेकिन आप उसको अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा उसका लिंक। लिहाजा थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। डाइट चेंज इज़ ए लाइफ चेंज, ये इम्पोर्टेंट आपके पास मैसेज है इस वक्त कि अगर जो डाइट चेंज इज़ ए लाइफ चेंज, अगर आप डाइट चेंज करेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी और लॉन्ग लाइफ आप गुजार सकते हैं और बहुत सारे डिजीजेस से बच सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।